है जहां इंडिया के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं और काउंटिंग को लेकर तीन मांगे रखी जाएंगी। वीवीपैट में पर्चे का मिलान कराने की मांग पहली है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की मांग, हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताने की मांग है। डी राजा, टी आर बालू, सलमान खुर्शीद इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और नसीर हुसैन, अभिषेक मनु सिंघवी ईसी पहुंचे हैं, राम गोपाल यादव, संजय यादव चुनाव आयोग पहुंचे हैं, राजीव डिमरी, राजीव झा चुनाव आयोग पहुंचे हैं। ये तीन प्रमुख मांगे और इन तीन प्रमुख मांगों को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने जो ये कई दिग्गज नेता हैं वो आप देखेंगे। जो इनकी जो तीन प्रमुख मांगे हैं वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि अब ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। काउंटिंग को लेकर तीन मांगे रखी जाएंगी। इसमें पहली मांग है वीवीपैट में पर्ची का मिलान कराना और दूसरी मांग है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराना, तीसरी मांग हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डेटा बताना है। और ऐसे में मौजूदा समय में डी राजा, टी आर बालू, सलमान खुर्शीद, नसीर हुसैन, अभिषेक मनु सिंघवी, राम गोपाल यादव, संजय यादव, राजीव डिमरी, राजीव झा चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन के ये प्रमुख नेता जो कि पहुंचे हुए हैं चुनाव आयोग, ये अपनी तीन मांगों को रखेंगे चुनाव आयोग के सामने। और वो तीन अहम मांगे हम आपको बता भी रहे हैं कि क्या है तीन अहम मांगे। हालांकि 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, इससे पहले कुछ मांगे इंडिया गठबंधन की और उन मांगों को रखे हैं चुनाव आयोग के सामने रखने के लिए पहुंच चुके हैं। शिवम प्रताप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवम, फिलहाल पहुंच चुके हैं इंडिया गठबंधन के ये दिग्गज नेता चुनाव आयोग के सामने, अब ये तीन मांगे रखेंगे, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव आयोग दफ्तर भी पहुंचे हैं। 4:30 बजे का समय मांगा था इंडिया ब्लॉक ने और सीधे तौर पर पूरे गठबंधन का ये मानना था कि तीन दिन की प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर ईसी से मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वीवीपैट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए, उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन चाहता है कि जो पोस्टल बैलेट है पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो, उसके बाद जो ईवीएम की मतगणना है उसकी काउंटिंग हो, उसके साथ साथ हर राउंड में जो भी काउंटिंग निकले उसका डेटा सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ साझा किया जाए और जब सभी प्रत्याशियों की सहमति हो या उनको कोई भी कंफ्यूजन ना हो तभी अगले राउंड की काउंटिंग शुरू की जाए। ये तीन प्रमुख मांगे इंडिया ब्लॉक की हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, लेफ्ट से सीताराम येचुरी, आरजेडी से संजय यादव, तमाम जो नेता हैं इंडिया ब्लॉक के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इन तीन प्रमुख मांगों को लेकर चुनाव आयोग से दरख्वास्त करेंगे। हालांकि आज ही कांग्रेस के जो महासचिव जयराम रमेश उन्होंने ये कहा है, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से बीते दिनों जो घटनाक्रम हुए तमाम बार शिकायतें की गई लेकिन चुनाव आयोग ने कोई उसका संज्ञान नहीं लिया, ऐसे में वो बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन चुनावों में परिणाम के दिन विशेष सतर्कता बरतेगा ताकि इंडिया ब्लॉक को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। हालांकि अब से कुछ देर बाद 5:30 बजे बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा। लबोलवाब यह है कि 4 तारीख तक जब परिणाम आएंगे तब तक इंडिया ब्लॉक सक्रिय रहना चाहता है। आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे देश के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनसे बातचीत की, उनको बताया कि परिणाम के दिन एग्जिट पोल से आत्मविश्वास नहीं टिकाना है, आपको सतर्क रहना है, 17C फॉर्म है उसको कलेक्ट करना है, हर बूथ पर काउंटिंग का डेटा तुरंत सार्वजनिक करना है, ऑफिस पहुंचाना है ताकि कांग्रेस की कोशिश ये है कि मनोवैज्ञानिक लड़ाई में वो पीछे ना हो जाए क्योंकि काउंटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता आज इलेक्शन कमीशन पहुंचे हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवम। काउंटिंग के दिन के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार है। मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार मिला है तो बिलासपुर लोकसभा की कमान उप मुख्यमंत्री अरुण साहब को दी गई है। मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे तो मंत्री केदार कश्यप की नजर बस्तर सीट की होगी और साथ ही मंत्री टंकराम वर्मा को दुर्ग लोकसभा सीट का प्रभार मिला है। रायगढ़ में मतगणना पर नजर रखेंगे मंत्री ओपी चौधरी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी नजर रखेंगे तो ये फ्रंटलाइन लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में नजर रखेंगे
और साथ ही ये अहम जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं। और अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। एक तरफ प्रचंड गर्मी आप देख रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में, तो दूसरी तरफ बस्तर में मौसम का मिजाज बदल गया है। गरज चमक के साथ बारिश हुई है और बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई है। उमस और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये बारिश और मौसम से बदलने की तस्वीर बस्तर की आपको दिखा रहे हैं। मौसम का मिजाज क्योंकि थोड़ा बदला है, ऐसे में बस्तर के लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है और मौसम में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो बस्तर में एक तरफ बारिश, तो दूसरी तरफ कोरिया की अगर हम बात करें तो कोरिया में बेमौसम बारिश हो रही है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जिले का तापमान कम हुआ है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर इलाके में भी बारिश हुई है। तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है और बारिश की वजह से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को राहत मिल रही है गर्मी से, उमस भरी गर्मी से हम कह सकते हैं लोगों को राहत मिली है।